पढ़ के संपत्ति ले रहा हूँ। अंतिम स्टॉक 73,000, बाकी तल पढ़ के संपत्ति देना में अंतिम स्टॉक 73,000। फिर ठीक है, अब बच्चों लोग देखो उधार बाकी के जितने पॉइंट्स हम लोगों ने सब नोट डाउन कर लिए, अब देखेंगे जमा बाकी में। पूंजी खाता ब्रह्मा विष्णु कितना दिया, 55,000 और 45,000। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पूंजी खाते में। तो पूंजी खाता हम लोगों ने बनाया है, 7 करोड़ का पूंजी खाता। जमा में क्या करके लिखना है आपको, तारीख कौन सी आएगी, शुरुआत की तारीख आएगी, यानी कि 1/4/2016, 31/3/2017 जो आपके सवाल में दिया है वो अंतिम तारीख है। तो उसकी शुरुआत कब हुई होगी, तो हुई होगी 1 साल पहले, यानी कि 1/4/2016। और पूंजी कब लाई जाती है, शुरुआत में लाई जाती है, तो ये इसको शुरुआत की डेट लिखेंगे, यानी 1/4/2016। और फिर क्या लिखना होगा आपको, शेष आगे लाए ब्रह्मा को 55,000 और विष्णु को 27,000, ये दोनों के कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए कॉलम बनाए गए हैं दोनों के, इस कॉलम में लिख देना है। फिर दिया गया ब्रह्मा की लोन 1/7/2016 से 50,000। तो देखिए ब्रह्मा की लोन, तो ब्रह्मा की जो लोन दी है बच्चों लोग, वो होता है एक प्रकार का दायित्व। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, दायित्व में लिखना है आपको, कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के यानी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में ये दी है ब्रह्मा की लोन कितनी, 50,000। इस पॉइंट का ध्यान रखना आपको, ये सहायता भी पेड़ी के आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखना होगा। फिर देखिए इसमें ब्रैकेट में जो लिखा हुआ तारीख 1/7/2016 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको ब्याज निकालने के लिए तारीख दी गई है, यानी कि 31/1/7/2016 से ये लोन ली गई है, और कब तक उसको इसका ब्याज गिनना होगा आपको, 31/3/2017, यानी कि आपको क्या निकालना है, ब्रह्मा की लोन पर ब्याज। तो इस तरीके से निकालेंगे ब्रह्मा की लोन पर ब्याज, ब्रह्मा के लोन पर ब्याज, लोन कितनी दी है 50,000, और हमें कैसे तारीख कैसे गिननी है, 1/7/2016 से 31/3/2017। तो कितने महीने होते हैं आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो आपको 7वें महीने से लेके और मार्च यानी कि 3रे महीने तक महीने गिनने, तो कितने महीने होंगे, टोटल 9 महीने होंगे। तो 50,000 पर आपको क्या करना होगा, 9 महीने का ब्याज गिनना होगा। और लोन पर देखो ब्याज का यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया गया है, तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, पहला चैप्टर में देखिए पढ़ा ही होगा, उसमें दिया गया है, अगर मान लो किसी साझेदार की लोन दी है और लोन पर ब्याज नहीं दिया गया है सवाल में, तो आपको कितना अनुमान करना होगा लोन के ब्याज का, 6%। तो वो हमें यहाँ भी वही अनुमान करना है कि इस लोन पर ब्याज हमें कितना गिनना है, 6%, यानी कि 50,000 × 6 बाकी 100 और × 9 महीने का निकालना ना, × 9 / 12। तो आपको इस प्रकार ब्रह्मा की लोन पर ब्याज कितना मिलेगा,